بسم اللہ الرحمن الرحیم طارق عالم ابڑو جے سا مجھے ملاقاتوں 1980 دہاکے کا حیدرآباد میں رہیوں پان گھنوں کرے گاڑی خاتے میں سائیں نثار حسین جی پریس آگم پبلیکیشن تھے ایندا ہوا اتے نصیر مرزا ہر وقت ان سے گڈ ہوں خدا بش ابڑو آرٹسٹ وہ بھی گڈ ہوں अड़े नमूने गाड़ी खाते में हलंदे या वरी पो 80 के दहाके में ही जैसे मंजूर चेंबर्स में सिंधी अदबी संगत जहाँ क्लासेस हलंदा हा तो उते भी इंदा हुआ। तारक आलम अबड़ो एक बेहतरीन कहानीकार एक बेहतरीन दोस्त जे हवाले सा सिंध में तमाम घणन माण्हुनि खे याद रहंदो इंशाल्लाह हू जॾहिं बि हुनजो ज़िक्र कंदा त हुन जे तख़लीक़ी सलाहियतुनि खे बि ज़रूरु मञींदा छो त तारक आलम अबड़ो जंहिंजी जनम कंबर आहे लाड़काणे लेकिन जॾहिं हू हवाउनि जे शहर हैदराबाद में अचे थो ऐं मॉडल स्कूल में पढ़े थो त हुन जी जेका तख़लीक़ी सलाहियतूं आहिनि या हुन जी जेका ज़हनी परवरिश आहे या हुन में जेको अदबी माहौल जो जुड़े थो उहो तमामु घणो जेको आहे हुनखे मिले थो। जीअं त हुननि संदन वालिद साहिबु हिकु उस्तादु बि हुआ त प्रोफेशनल फोटोग्राफर बि हुआ त हिकिड़ो आर्टिस्ट अॻे ई तारक आलम अबड़ो में मौजूदु हो ऐं ख़ुदा जे फज़ल सां तारक आलम अबड़ो ऐं उन जा सभई भाउर जेके आहिनि से आर्ट जे कंहिं न कंहिं शोबे सां लाॻापियल रहिया जंहिंमें ख़सूसी तौर ते मुसविरी पेंटिंग जेका आहे सा अहम आहे। तारक आलम अबड़ो जेको जीअं त पंहिंजे वालिद साहिबु ऐं पंहिंजे वॾे भाउ दारा आलम अबड़ो ऐं उन ज़माने में जंहिं ज़माने में हू जाम शोर में रहंदो हुओ ऐं स्कूल में पढ़ंदो हुओ मॉडल स्कूल में उन ई ज़माने में दारा आलम अबड़ो ऐं साईं ज़फ़र काज़मी उहे बि उते जाम शोर में हुआ इन करे जेको आहे सो साईं ज़फ़र काज़मी साहिबु खां बि हू तमामु घणो पंहिंजे स्कूली एज खां वठी मुतासिर रहियो ऐं हुनजो लाड़ो जेको आहे सो आर्ट सां गॾो गॾु पोइ वरी फ़नून लतीफ़ा जे ॿियनि शोभनि मसलन हू बहितरीन तारक आलम अबड़ो पाण फ़ोटोग्राफ़र बि हो जेको हुनजो वालिद साहिबु फ़ोटोग्राफ़र हो। पोइ तारक आलम अबड़ो पंहिंजी पहिरीं कहाणी लिखी आहे त उहा तहरीक रिसाले में छपाई आहे उनखे मञता मिली आहे। ईअं तारक आलम अबड़ो पंहिंजी अदबी शुरूआति जेका कई आहे जंहिंमें हुन ते असां दोस्ती में जेको आहे नसीर मिर्ज़ा गॾु आहे ख़ुदा बख़्श अबड़ो गॾु आहे ऐं उस्ताद ऐं रहबरनि में साईं निसार हुसैनी गॾु आहे त उन पंहिंजो जेको आहे सो कहाणियूं लिखणु शुरू कयूं आहिनि ऐं संदसि कहाणियुनि जो पहिरियों किताबु जेको छपियो आहे सो आहे राति शांत ऐं सोचूं। हीउ 1983 में किताबु छपियो आहे ऐं इन किताबु छपजण खां पोइ या संदसि कुझु कहाणियूं छपजण खां पोइ जीअं सुहिणी में बि संदसि कहाणी छपी हुई त उन वक़्त जे नक़ादनि या उन वक़्त जे पढ़ंदड़नि तारक आलम अबड़ो खे उथंदे ई पंहिंजो हिकिड़ो सुठो कहाणीकार मञणु शुरू कयो। मां सम्झा थो त मदद अली सिंधी मुश्ताक शोरो माणक शौकत शोरो अब्दुल हक आलमाणी खां पोइ जेका टही आई आहे उन में एज़ ए कहाणीकार तारक आलम अबड़ो जो नालो जेको आहे सो असांखे नुमाया नज़र अचे थो। तारक आलम अबड़ो सिंधी अदबी बोर्ड में मुलाज़िम हो उन हवाले सां हुनजो जेको वास्तो आहे सो अदबी माहौल सां तमामु घणो जुड़ियलु हो। अदबी रिसाले महिराण सां हुनजी वाबस्तगी हुई गुलफुल हो सर्तियूं उतां निकिरंदो हो त हुनखे जेको माहौल मिलियोसि जाम शोरे जो सिंधी अदबी बोर्ड जो हुनजी सलाहियतुनि खे वधीक उजागर कयो। अॻिते हली यूनिवर्सिटी में पढ़ण दौरानी जेका हुनजी यंग एज आहे हुन हिकिड़ो यानी उनजी एज अञा 23 साल आहे त हुन पंहिंजो हिकिड़ो यादगार नावेल लिखियो आहे जेको यूनिवर्सिटी जे पस मंज़र में आहे जंहिंजो नालो हुन रखियो रहिजी वियल मंज़र। इहो रहिजी वियल मंज़र 1983 में छपियो जेको यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि खां वठी हर सिंधी अदब जे पढ़ंदड़ जंहिंमें साईं वॾा वॾा सिंध जा असांजा अदीब आहिनि उहे बि उनखां मुतासिर थिया उन्हनि बि उनखे जेको आहे एप्रिशिएट कयो जंहिंमें अमर जलील साहबु आहे अब्दुल क़ादिर जुणे जो आहे अली बाबा आहे उन्हनि बि उन नावेल खे जेको आहे तमामु घणो सराहियो ऐं इहो नावेल जेको रहिजी वियल मंज़र आहे उन जा हेसि ताईं जेको आहे सो तमामु घणा छापा छपिजी चुका आहिनि त
तारक आलम अबड़ो जो यो नावल यूनिवर्सिटी के पस मंज़र में लिखल एकड़ो अड़ो नावल है जो यूनिवर्सिटी के हर शागिर्द का वी शागिर्दानी का वी सिंध के हर नौजवान ए पढ़ंदड़ अदब पढ़ंदड़ के मानु की दिलन की तर्जुमानी करे तो। तारक आलम अबड़ो जी तुझा तो फनून लतीफा सा लागापल हो इन कर शायरी भी उनमें अंदर में मौजूद हुई एंजो जो सो शायरी में जो जैसे हायका लिखी हायकन जो किताब छपरा मोरन ऊंचा घाट जो 1990 में उन किताब छपो है तो उन में खबर पे थी तो तारक आलम अबड़ो न फकत शायरी के हवाले से डिक्शन के निभा है पर उनमें जी तो बेसिकली एकड़ो आर्टिस्ट है मुसविर है उनके अंदर में एकड़ो मुसविर मौजूद है तो उन हायकन में असड़ी वही मंजरकशी नजर अचे थी उनके इमदाद हुसैनी जैसे यो पढ़ो तो उनके यह सलाह दिनी तो तू तारक तू शायरी कर तो में शायरी की तमाम घनी सुठी सलाहियत मौजूद है। बहरहाल तारक आलम अबड़ो पैं इन अदबी इल्मी अदबी सफर के लगो रो हैदराबाद में उनको अचण वन भी तमाम घड़ो रो जो मु अगे ही बुधा तो आगम पब्लिकेशन है सिंधी अदबी संगत ज क्लासेस जो मंजूर चेंबर्स में थन्दा हुआ उनका मदद अली सिंधी जो आश्रम है मदद अली सिंधी के आश्रम में जो तमाम घना अदीब इंदा हुआ उन जमाने में जो है सो पो तारक आलम अबड़ो नसीर मिर्जा से गड अक्सर उत आश्रम में मुँह दिठो अड़े नमूने हैदराबाद में तारक अशरफ है वलीराम वल्लभ हैदराबाद में हो साईं जफर हसन की परफेक्ट प्रेस वहाँ हैदराबाद में हुई तेकर जडे तारक आलम अबड़ो जाम शोरे में हैदराबाद आयो तो इन अदीबन से उनकी मुलाकात जरूर थी हुई वरी नसीर मिर्जा जो उन घाटो दोस्त है रो वो जो रेडियो पाकिस्तान थो तो इन रेडियो से भी अचान शुरू कर रेडियो से भी प्रोग्राम कया इन रेडियो से भी अदीबन से मेल जोल रो तड़े नमूने तारक आलम अबड़ो पैं फनी सफर के तमाम घने सोने ऐसन नमूने में हलो रो संदस कहानी जो बो मजुमो जो है सुणप की गोल्हा ये कहानी यो 1996 में उन किताब छपो इन किताब के पढ़ का मू महसूस करें तो तारक आलम अबड़ो बहसियत कहानीकार तमाम सुठो कहानीकार तमाम मनल कहानीकार है उन सा गडो गड वरी तारक आलम जो बो ट्रन है जो है उन जमाने में पीटीवी से ड्रामा पीटीवी से इन केतरा ही ड्रामा लिखा ए उन ड्रामे में उन वक्त के मशहूर आर्टिस्टन जो है सो कम उन ड्रामन के वही मान्यता मिली संदस ड्रामे में उन वक्त की मशहूर शख्सियत आर्टिस्ट जी जरीना बलोच भी कम कयो तो उन जे पुट अयाज लतीफ पली जे भी कम कयो उन ड्रामे जो नालो हो चंड रही तो दूर हाने मां तारक आलम अबड़ो जे उन पहलू ते इंदुस तो तारक आलम अबड़ो बहसियत एज ए जडे उनके चार्ज मिली सिंधी अदबी बोर्ड के इंचार्ज सेक्रेटरी की तो उन जो पहरियो कम कयो तो जेके भी टिमाही महरान में लिखंदड़ हुआ उन्हें उन मुआवजो दियण शुरू कयो मुखे भी मुझी कहानी सहरा जो चंड ते 300 रुपया मुआवजो दिनो पर जी ही वरी पो बियो सेक्रेटरी आयो रेगुलर तो पो यो सिलसिलो बंद थियो तो मां समझा तो यो तारक आलम अबड़ो जो आर्टिस्टन के राइटरन के लेखकन के मुआवजो दियण वारो जो अमल है वो भी एकड़ो सारा जो अमल है तारक आलम अबड़ो जी तमाम घणो अरसो पैंजे गुर्दन की बीमारी के करे तमाम घणो तकलीफ में रहो वो पैंजो लंडन में वही ट्रांसप्लांटेशन भी करायो लंडन में मोटी उन पैंजो सफरनामो भी लिखो लंडन तुझा केड़ा रूप उनखा पो वरी उनके जेको आसो जिगर की खराबी थी पई जेको आखिरी ब साल उनमें उन तमाम घणो तकलीफ डिठी आखिरकार सिंध जो ही मायानाज एकड़ो तखलीकार जेको पैंजे ड्रामे के हवाले सा पैंजे कहानी के हवाले सा पैंजे शायरी के हवाले सा पैंजे कालम कहानी लिखण के हवाले सा तमाम घणी मन्ता माणे चुको पैंजे उरूज वाले जमाने में दाग जुदाई दई वियो असा सभी जेके
उनखे यादि करे, उन जे फन खे यादि करे, उन जी ॿोली ऐं उन जे अदबी ख़िदमतुनि खे यादि करे खेसि सलाम पेश कयूं था।